Hello students, in this video we are going to learn about the basics of design. So firstly, what do you mean by the design of flywheel? Design of flywheel here means the two terms, the stress analysis and the dimensions of the flywheel. Matlab, design ke liye hume stresses kaun kaun se lagenge flywheel mein unka pata hona chahiye. Second, उन स्ट्रेसेस से बचने के लिए इसका स्ट्रक्चर कैसा हो, उसकी डायमेंशंस क्या होनी चाहिए उनका पता हो, उसे बोलेंगे हम डिजाइन. सो इसका स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म तो है नहीं. इट इज कंटेन्स थ्री पार्ट्स मेनली, हब, आर्म एंड रिम. तो तीनों को सेपरेटली डिजाइन करना होगा आपको. तीनों में सेपरेटली स्ट्रेसेस निकालने होंगे, कितने स्ट्रेसेस इसमें लग रहे हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दी स्ट्रेसेस की डायमेंशंस क्या होनी चाहिए. ओके, नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आर्म है, आर्म की शेप एलिप्टिकल है. ये दो डायमेंशंस आप देख रहे हो, A1 A2. दैट मीन्स इससे आप आइडिया लगा सकते हो जो आर्म है, आर्म की शेप क्या एलिप्टिकल है. तो हमें रिम, हब और आर्म्स तीनों को डिजाइन करना होगा सेपरेटली. ये आपका फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है. साइड व्यू में आप देख सकते हो कि वे दिख रहा है आपको यहाँ पे. इनिशियली जो स्मॉलर सर्कल है इट रिप्रेजेंट योर शाफ्ट, एंड इन शाफ्ट देयर इज अ कट, इट रिप्रेजेंट दी की वे, एंड ऑन दी की वे यू आर हैविंग हब, एंड अबव दी हब यू आर हैविंग आर्म एंड दी. ये पार्ट है आपका. सो कंस्ट्रक्शन में हम देख लिया हमने कि तीन पार्ट होते हैं, रिम, हब एंड आर्म्स. आर्म्स मेनली 4 to 6 होते हैं इसमें. आर्म्स का क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, एलिप्टिकल शेप का होगा, और जबकि रिम का कैसा होगा, वो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होगा. सो फ्लाई व्हील है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा टिपिकल होगा रिम टाइप का बिकॉज ऑफ इस कॉम्प्लिकेटेड शेप. सो नाउ लेट अस डिजाइन द रिम फ्लाई व्हील. डिजाइन करना है तो पहले आपको कुछ अजम्पशंस लेनी होंगी इसमें. सो यू कैन टेक एनी वन ऑफ दिस अजम्पशंस. फर्स्ट अजम्पशन क्या है, द स्पोक्स, हब एंड द शाफ्ट डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इंटायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ड्यू टू रिम ओनली. कि जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसमें शाफ्ट, हब और स्पोक्स का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, टोटल ही रिम के कारण आ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. हम पहले बता चुके हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही डिसाइड करता है कि उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कितनी होने वाली है. तो फर्स्ट अजम्पशन में आप ये मान सकते हो कि टोटल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द रिम. सेकेंड, द इफेक्ट ऑफ द शाफ्ट, हब, स्पोक्स इज कंट्रीब्यूट 10% व्हाइल द आर्म कंट्रीब्यूट 90% ऑफ द रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया. इसमें आप ये मान सकते हो कि जो आपकी शाफ्ट, हब और स्पोक्स हैं वो 10% कंट्रीब्यूट करेंगे और जो आर्म्स हैं वो 90% कंट्रीब्यूट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया. इन दोनों में से किसी एक को आप अजम्पशन ले सकते हो और उनके बेसिस पे एनालिसिस कर सकते हो. सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिम क्या होगा, सी इन टू आई. अब सी क्या है वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सा अजम्पशन ले रहे हो. आई तो हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिम अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन. सी डिपेंड्स ऑन द अजम्पशन. अगर आप अजम्पशन नंबर 1 लेते हो तो सी की वैल्यू 1 होगी, अजम्पशन नंबर 2 लेते हो तो सी की वैल्यू 0.9 होगी. तो यहाँ से आप आई आर, बट आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू आपको पता ही है, एम आर स्क्वायर होती है, एम के स्क्वायर होती है, के रेडियस ऑफ जायरेशन है. तो हम आगे पढ़ेंगे, पहले कुछ डायमेंशंस के आप नोटेशन ले लीजिए. क्या है, बी एंड टी, दैट विल बी दी वेथ एंड थिकनेस ऑफ द रिम. दी इज द मीन डायमीटर ऑफ द फ्लाई व्हील. वट इज माई मीन डायमीटर. आप यहाँ पे देख रहे हो कि फ्लाई व्हील में बहुत सारे डायमीटर्स हैं. डायमीटर्स, आउटर डायमीटर, इनर डायमीटर, डायमीटर ऑफ द हब, डायमीटर ऑफ द शाफ्ट. तो आपको एक डायमीटर लेना होगा जिसके अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सको. तो ये रेड्स में, रेड कलर में डॉटेड सर्कल्स हैं, इसे हम मीन डायमीटर ले लेते हैं जिसके अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालोगे. सो डी इज द मेन डायमीटर ऑफ द फ्लाई व्हील, आर, आर एम इज द मेन रेडियस ऑफ फ्लाई व्हील. जिस मटेरियल की फ्लाई व्हील होगा रोज की डेंसिटी है,
एलिप्टिकल डायमेंशंस हम देख चुके हैं, ए वन ए टू दो डायमेंशंस हैं वहाँ पे। एम आर जो मास ऑफ द रिम ऑफ द फ्लाई व्हील, टोटल मास नहीं है फ्लाई व्हील का, रिम का मास ओनली, दैट मीन्स रिप्रेजेंट बाय द एम आर। के आर रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द रिम अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, और यहाँ पे के आर किसके बराबर रहेगा, आर एम के, क्योंकि रेडियस ऑफ जायरेशन हमने यहाँ पे क्या लिया है, हमने मीन डायमीटर डी लिया है, तो हम के आर को आर एम के बराबर लेंगे। सो हमें पता है कि रिम का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, पहले पढ़ चुके हो, एम आर स्क्वायर। हेयर एम आर एंड के आर रिप्रेजेंट दी फॉर द रिम, मास ऑफ द रिम, रेडियस ऑफ द जायरेशन अबाउट द रेडियस, दैट इज के आर इज द रेडियस ऑफ जायरेशन, के आर इज रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट एक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हम पहले मैं आपको बता चुका हूँ के आर एम पे आर एम होगा, क्योंकि आपने डेफिनेशन में भी पढ़ा होगा कि जो रेडियस ऑफ जायरेशन होता है, ये कॉन्सेप्ट है कि रेडियस ऑफ जायरेशन जिस पॉइंट के अबाउट लेते हैं वहाँ पे, ये मानते हैं कि टोटल मास उसका कंसनट्रेट हो गया, तो जितना मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस वैल्यू से आएगा वो एक्चुअल मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा। तो यहाँ पे हमने वो वैल्यू क्या ली है, रेडियल डिस्टेंस को आर एम लिया है। तो मास ऑफ द रिम को क्या बोल सकते हो, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम दैट इज टू पाई आर एम इंटू टी इंटू बी इंटू रो, बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम होगा एरिया इंटू विड्थ, एरिया क्या है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, तो टू पाई आर एम इंटू टी। तो यहाँ से आप एम आर निकालोगे, एम आर की वैल्यू यहाँ पुट करोगे आई आर में, तो यहाँ पे आप मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द रिम निकाल सकते हो। ओके, तो फर्स्ट क्राइटेरिया हमने देख लिया है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नाउ अब हम देखेंगे कि स्ट्रेसेस कौन कौन से एक्ट करते हैं। द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस आर इंड्यूस इन द रिम ऑफ ए फ्लाई व्हील, पहले हम रिम में देखेंगे कौन कौन से स्ट्रेसेस लगते हैं। तो रिम में तीन टाइप के स्ट्रेसेस लगते हैं, फर्स्ट बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जब भी कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करता है आपको पता है कि उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगी, फर्स्ट। सेकंड, जो आर्म्स हैं, जो आर्म्स लगी हुई हैं वो रेस्ट्रेंट कर रही हैं, तो उसके कारण टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगी रिम में। थर्ड, हम पहले पढ़ चुके हैं कि इसको फ्लाईव्हील को किससे बनाते हैं, हम फ्लाईव्हील को कास्टिंग से बनते हैं, कास्टिंग के कारण इसमें कूलिंग स्ट्रेस डेवलप होते हैं, बट कूलिंग स्ट्रेसेस को आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी से टेक केयर करोगे यहाँ पे, तो उसकी वैल्यू नहीं निकालनी आपको। तो जब हम स्ट्रेसेस निकालने वाले हैं रिम में, तो हम दो फैक्टर्स ध्यान देंगे, फर्स्ट स्ट्रेसेस ड्यू टू सेंट्रिफ्यूगल फोर्स, सेकंड स्ट्रेसेस ड्यू टू आर्म्स जो कि रिम में डेवलप हो रहे हैं। सो दीज आर द नोटेशन जो हम पहले पढ़ भी चुके हैं। सो लेट अस, तो अब इसका डिजाइन करना है, तो हम कंप्लीट पोर्शन नहीं दिखा रहे हैं इसका, तो यहाँ पे देखिए डिजाइन करने के लिए अब हमें ये बताना है कि जब ये ऑपरेशन में आएगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा इसमें। तो हम पहले एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, जो शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा है मैं स्मॉल एलिमेंट लिया है हमने एट एन बट इज सबट एन एंगल डेल थीटा, और जहाँ से डेल एफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। अब डेरिवेशन हम करेंगे कैसे, हम पहले इस डेल एफ फोर्स की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसका एक वर्टिकल और हॉरिजेंटल कंपोनेंट लेंगे। अब अपर पोर्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपवर्ड होगा, तो इससे बचने के लिए डाउन, आपको पता है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन के कारण, तो जो आपकी ये फ्लाई व्हील है वो डाउनवर्ड में फोर्स लगाएगी टू काउंटरैक्ट द अफेक्ट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो दोनों को बैलेंस करेंगे, वहाँ से वैल्यू आएगी स्ट्रेस की, दैट इज चेकआउट। तो हमने पहले क्या किया, दैट इज कंसीडर स्मॉल एलिमेंट ऑफ द रिम जो कि एंगल डेल थीटा बना रहा है सेंटर ऑफ द फ्लाई व्हील, वॉल्यूम क्या हो जाएगा उसका ए आर डेल थीटा, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है एरिया इनटू थिकनेस। मास ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, स्मॉल एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी,
डेंसिटी तो फिक्स एलिमेंट की, वॉल्यूम हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ से मास निकाल लिया हमने। अब हमें फोर्स निकालना है। सेंट्रिफ्यूगल फोर्स की वैल्यू हमेशा ही एम आर ओमेगा स्क्वायर होती है, बट यहाँ पर हम एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं, तो मास किसका लेंगे, एलिमेंट का, डी एम ओमेगा स्क्वायर आर। डी एम की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यहाँ पर पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे, वो क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा इसका, डी एफ साइन थीटा। डी एफ की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यहाँ से पुट करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी। अभी हम एलिमेंट पे निकाल रहे थे, तो हम टोटल जब फोर्स निकालेंगे तो हम लिमिट्स कहाँ से कहाँ पे लगाएंगे, हम लगाएंगे 0 to π। हम इस सेक्शन के लिए निकाल रहे हैं, तो टोटल इसको हम बर्स्टिंग फोर्स बोलेंगे, क्योंकि ये उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है फॉर डायरेक्शन में। तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, जो आपका एक कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को आप इंटीग्रेट कीजिए फ्रॉम द लिमिट्स ऑफ 0 to π। 0 to π आपने किया तो वैल्यूज आपकी आ गई दिस मच, वैल्यूज आपकी आ गई 2ρ a r² ω² दैट इज, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसको रजिस्ट कैसे करेंगे, टू डाउनवर्ड फोर्स विल बी एक्टिंग, तो जो अफेक्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अबो ने लगा रहा है वही अफेक्ट ये दोनों फोर्स डाउनवर्ड में लगाएंगे, दैट मीन्स इक्वल होना चाहिए फॉर द इक्विलिब्रियम। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, 2p फोर्स क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया, तो ये जो फोर्स है वो इक्वेशन 1 वाले फोर्स के बराबर होना चाहिए, तब इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो हमने दोनों को इक्वेट किया तो सिग्मा टी की वैल्यू आ गई, यही है वो स्ट्रेस, जो कि क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ योर सेंट्रीफ्यूगल एक्शन, कि जब रोटेट कर रहे हैं उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होगा तो इंटरनल स्ट्रेस डेवलप होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, टेंसाइल स्ट्रेस ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब पहला पोर्शन हमने निकाल लिया है, 3 स्ट्रेसेस थे रिम में, फर्स्ट स्ट्रेसेस था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, सेकंड स्ट्रेस था बिकॉज ऑफ द आर्म, थर्ड था बिकॉज ऑफ योर कूलिंग स्ट्रेसेस। थर्ड को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से टेक केयर करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को निकालना आपको, फर्स्ट हम निकाल चुके हैं, लेट अस फाइंड आउट द सेकंड स्ट्रेस। तो हम एक कट सेक्शन लेते हैं, कट सेक्शन में देखिए दो आर्म्स हमने दिखाई हैं और इन बिटवीन सेक्शन दिखाया फ्लाई व्हील का। अब इसमें आपको अजम्पशन लेना होगा दैट the portion between the pairs of arms will be act as a fixed beam or and the load will be UDL। आप इसको इस तरीके सोचना होगा कि ये दो ends हैं एक्सट्रीम कॉर्नर्स पे, वो फिक्स हैं और जो लोड लग रहा है वो UDL है, तब इसकी स्टडी करनी है आपको। UDL कैसे ले रहे हैं, क्योंकि जो सेंट्रिफ्यूगल फोर्स है वो इक्वल अमाउंट पे लगता है पेरीफेरी पे, तो यहाँ पे इसे इसलिए हम UDL मान लेंगे, और जो आर्म्स हैं वो फिक्स हैं इसलिए दोनों एंड्स को हम क्या ले लेंगे, तो इसकी अभी हम स्टडी करने वाले हैं, इसकी हम स्टडी करेंगे, बीम विच इज़ फिक्स एट बोथ द एंड्स एंड विच इज़ एक्टेड अपॉन बाय द UDL। तो टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस इन द बैंड ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेस बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट ईच पोर्शन ऑफ द रिम बिटवीन अ पेयर ऑफ आर्म्स बिहेव लाइक अ बीम फिक्स एट बोथ द एंड्स एंड UDL एक्टिंग ऑन इट। तो पहले हम निकाल लेते हैं टोटल लेंथ L है अगर, तो इस पोर्शन की लेंथ कितनी होगी, π d/n वेयर n इज द नंबर ऑफ आर्म्स। तो अगर आप इसकी वैल्यू निकालते हो पाई डी की, वो 2πr/n हो जाएगी। अब हमने यहाँ पे UDL किसको लिया है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, तो UDL पर मीटर लेंथ में ले रहे हैं, क्योंकि जो लेंथ है वो टोटल तो डिफरेंट है, तो UDL पर मीटर लेंथ क्या होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को निकालिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। एम क्या होगा यहाँ पे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ, बट लेंथ इसमें पर मीटर लेंथ है तो उसे हम नहीं लेंगे, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगी। तो डेट मीन्स द वैल्यू ऑफ द UDL बिकम्स bt ρ ω² r। अब हमें पता है कि फिक्स बीम में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जब UDL एक्ट करता है तो कितना होता है, WL² / 12।
डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे तो यहाँ से मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं। सेक्शन मॉडल्स के बारे में आपको पता ही है, क्रॉस सेक्शन का कैसे निकालते हैं, बी टी स्क्वायर बाय सिक्स होगा। बेंडिंग स्ट्रेसेस एक इक्वेशन होती है बेंडिंग मोमेंट की, एम बाय वाई सिग्मा वाई बाई इक्वल टू ई बाई आर। तो यहाँ से सिग्मा बी की वैल्यू आप निकाल सकते हो, तो सिग्मा बी की जो वैल्यू होगी वही आपका बेंडिंग स्ट्रेस है, जो कि क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ द आर्म्स। जो आर्म्स का अफेक्ट है वो उस पोर्शन को बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप कर रहा है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को आप ऐड ऑन करोगे तो ये टोटल रिजल्टेंट स्ट्रेस होगा रिम पे, दैट इज़ योर फाइनल वैल्यू।